मेरा नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। मैं 9 साल का था तो मैं अपनी वालदा के साथ लाहौर स्टेडियम में टेस्ट मैच देखने गया। तो मैंने अपनी वालदा को कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेटर बनना चाहता हूं, और फिर मेहनत की, गलतियों से सीखा, कामयाबी मिली, फिर पाकिस्तान टीम को दुनिया की टॉप टीम करना चाहता था। I just told them that listen, you know, just be as if, you know, you're a cornered tiger. फिर जब हॉस्पिटल बनाने लगा, अखबार में मजमून निकले कि ये कौम से पैसा इकट्ठा करे, पैसा जाया हो जाएगा, हॉस्पिटल नहीं बनेगा, फिर कहा गरीबों का मुफ्त इलाज नहीं होगा। ये सब मुझे सुननी पड़ी अपनी जिंदगी में चीजें कि ये अगर हॉस्पिटल बंद होता है ये पाकिस्तान को नुकसान है। With an endowment fund, a hospital like this will be able to sustain the running expenses through the income of the fund. इस जगह पर मैं आया हूँ, डॉक्टर जी से मत्थे लगती है तो साड़ी आधी बीमारी कटी जाती है। ऐसा खुश खुलट डॉक्टर है वो खान साहब से ज्यादा बाथरूम है खुश नहीं दुकानी जहाँ मिलती है भाई। मान मैं कई गाँव कहीं आगा जी तरफ फरिश्ता नहीं होता, हंसते ही आने वो डॉक्टर मैंने अच्छा। फिर जब नमल यूनिवर्सिटी बनाने गया, कहा देहात के अंदर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता। फिर जब पॉलिटिक्स में आया तो 14 साल मेरा मजाक उड़ा। किया के नाम लो वही आगे चलाएं, यानी कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। The subject which at the moment has set my mind on fire is of course Islam. One of the names of God is Al-Haq, the truth. When you stand up for truth, anyone who opposes you actually opposes God, because God is truth. इससे अगर किसी का ख्याल था ना कि मुझे डराने का, मैं उनको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं इससे और ज्यादा मजबूत होता हूँ उस तरह की चीजों से। तो हमने जुल्म के निजाम को खत्म करना। अगर इनका ख्याल है तो मैं जेल की वजह से डर के इस्तेदार करूंगा, मैं और तेज अभी निकलूंगा इसकी तरफ। You would have to give over territory in Pakistan to the Taliban? Absolutely not. Well, it's a battle of nerves, and you know, your boss not going to give up. मैंने अपनी जिंदगी के पाकिस्तान के लिए लड़ा, जो मैं कर सकता था मैंने किया। अब मैं चाहता हूँ कि आप जिम्मेदारी। इकबाल कहता है गिरते हैं शहर से बारी मदारी जाने, मुत्तफल क्या कह रहा है जो घुटनों के बल चले। मैं सारों को शहर सवार बना रहा हूँ यहाँ। इमरान अहमद नियाजी साहब ने 176 वोट हासिल किए। मैं इमरान अहमद खान नियाजी
सच के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ वक़ार मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी तालमियत इस्तेकाम यकजहती और खुशहाली के खातिर अंजाम दूंगा। UN, Pakistan, Turkey and OIC countries have initiated a proposal for the annual observance of an international day to combat Islamophobia. Na aaj tak Imran Khan kisi ke samne jhuka hai? Absolutely not. Aur inshaallah jab tak mere mein khoon hai main apni qaum ko kisi ke samne jhukne nahi dunga. Sportsman hota na वो जब कदम रखता है ग्राउंड में तो वो हमेशा समझता वो जीतेगा। पाकिस्तानी कौम बेदार है, हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। स्पेशली इमरान खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं है। मेरी गवर्नमेंट चाह रही है, ये तो बड़ी छोटी चीज है गवर्नमेंट जाने की, मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। पूरी तरह कोशिश करें डी चौक पहुंचने की आज शाम को, क्योंकि मैं इंशाल्लाह घंटे डेढ़ तक वहां पहुंचूंगा इंशाल्लाह। हमारी ये पाकिस्तान के लिए फैसला कुन वक्त है, इस आजादी की जो जहाद है ये हमने जीती है। इमरान खान, किस पार्टी के साथ हो तुम पहले मुझे बताओ? पाकिस्तान का मतलब क्या? मेरा तेरा रिश्ता क्या? कोई नहीं है खुदा सिवाय। अपने ईमान को मजबूत करें, कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा। अपनी कौम के सामने एक सवाल रखना चाहता कि ये कौन सा मैंने इतना बड़ा जुर्म किया था कि मेरे घर के ऊपर हमला, तो क्या वजह थी, मेरा जुर्म क्या था? मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है मुझे अरेस्ट करने का। निकल चुके हैं लाहौर के लिए, अल्लाह का करम है। ये मेरा घर है, मैं क्यों छोड़ के जाऊंगा? तो खान साहब अजम जवान है, अभी भी आपका पूर अजम है और टटकर खड़े हैं आप। जितने मुकदमात बनाए जा रहे हैं, पेश किया है, आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कप्तान था और आखिरी गेंद तक लड़ा। मैं ये जो जदोजहद कर रहा हूँ ये अपनी जात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। मुल्क को बचाना है, इमरान खान को लाना है। इंशाल्लाह आप ये सब ये अपनी नजरों से देखेंगे कि पाकिस्तान को एक अजीम तरीन कौम बनते हुए।